भगवान बद्री विशाल के कपाट तय मुहूर्त में खोल दिए गए हैं। कपाट खोलने के बाद धर्माधिकारी भूपेंद्र चंद्र उनियाल ने जी मीडिया से खास बात करते हुए बताया कि आज का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। कपाट खुलते वक्त बर्फबारी हो रही है, जो शुभ संकेत है। अगले 6 महीने तक तमाम श्रद्धालु यहां भगवान के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही धर्माधिकारी ने बद्रीनाथ धाम मंदिर की पूरी पूजा पद्धति के बारे में भी जानकारी दी। आप भी सुनिए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में उनके दर्शन कर पाएंगे। मेरे साथ पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल जी हैं। कैसे गुरुजी आप देख रहे हैं, और आज कपाट खुलने के बाद का नज़ारा कैसा है? बर्फबारी भी हुई है आज। शास्त्रों ने जो कहा है कि हेम मंदिर शोभितम, वो लाभ मिल रहा है। कुछ पुष्प सृष्टि आकाश से हो रही है, कुछ मनुष्यों के द्वारा सुंदर तरीके से की गई। भगवान के स्त्री कपाट अभी अभी खुले ही हैं। मूर्ति लबालब घी में भरी हुई हमने देखी। महालक्ष्मी अपने निज मंदिर में आ गई है और कुबेर जी का प्रवेश हो चुका है। उद्धव जी निज स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी बद्रीश पंचायत जो मनुष्यों द्वारा पूजा होती है, ठीक 7:10 पर कपाट खुलने के बाद अपने स्थान पर आ गई। मनुष्य पूजा प्रारंभ हो रही है। मन प्रसन्न है क्योंकि भगवान की मूर्ति लबालब घी में भरी हुई सरसब्ज देखी। मैं समझता हूँ कि देश में खुशहाली रहेगी, संपन्न रहेगा, यही आनंद है। खुल चुके हैं, तमाम श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं, सबका इंतजार था। और विधि विधान के साथ पूजा होगी। महाभिषेक पूजा 11 बजे होगी और करीब 10:30 के बाद बाल भोग लगने के बाद ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म कपाली की जो प्रक्रियाएँ हैं, यानी पितरों के तर्पण के लिए जो बद्रीनाथ आते हैं, वो प्रक्रियाएँ भी शुरू हो जाएंगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, बद्रीनाथ धाम।